डरना नहीं लड़ना है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कोरोना का नया वेरिएंट JN अब तेजी से फैल रहा है, पूरे देश में टेंशन है और अब तक देश भर में नए कोरोना वेरिएंट के 25 मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट J1 के नए मामले गोवा, केरल और महाराष्ट्र से ज्यादा आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, साथ ही कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत। देश भर में नए वेरिएंट के 25 मामले पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं। कोरोना से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कर्नाटक में 2, पंजाब में 1 की मौत हो चुकी है, तो वहीं केरल में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में 2, महाराष्ट्र में 10 मामले सामने आए, कर्नाटक में अब तक 13 लोगों में नया वेरिएंट पाया गया है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, नया वेरिएंट अब कहीं ना कहीं डराने वाला है और डर भी लोगों में है। पर डरना नहीं है, लड़ना है। बचाव आखिर क्या क्या है, किस तरह से जो गाइडलाइन जारी की है उससे फॉलो करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी डरने की और ना ही ये हावी हो सकेगा कोरोना का नया वेरिएंट, अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो करें तो। तो कोरोना की आहट फिर से कहीं ना कहीं डराने लगी है और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। नया वेरिएंट जो आया है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा कर रहा है कि कहीं हम इसकी चपेट में ना आ जाएं। और कई सारे सवाल भी जहन में लोगों के हैं कि आखिर ये नया वेरिएंट है क्या और कैसे ये हमको संक्रमित कर सकता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा किसे है। ये वो सवाल हैं जो आम लोगों के बीच में है, जानने की भी कोशिश करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। पर आपको ये हम पहले बताएं कि किस तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में कई सारी मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सतीश मैथ्यू हैं और डॉक्टर समीर भाटी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सतीश जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेती हूँ। नया वेरिएंट है, कहीं ना कहीं डर जो है लोगों के अंदर बना हुआ है नए वेरिएंट को लेकर के, आखिर हम कैसे देखें? मौत भी इसमें लगातार हो रही है, मामले भी लगातार आ रहे हैं, आखिर ये J1 वेरिएंट कितना अलग है और कितना घातक है? सतीश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सतीश जी से। समीर भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। समीर जी, सवाल वही कि जो नया वेरिएंट आया है आखिर कितना अलग है ये और कितना प्रभावी रहेगा, कितना ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा और आखिर कैसे असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसकी वजह से हम बात कर रहे थे, भारत में थर्ड वेव आई थी, उसी वेरिएंट की ही आप ये मान के चलिए कि ये वंशावली है। लगभग 2 साल के करीब हो गए और इस वेरिएंट में बहुत से बदलाव आ रहे हैं, मतलब ये वेरिएंट अपना रूप स्वरूप बदलता हुआ जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत अभी सितंबर से हुई थी, पहले ये US में आया, इसके बाद अभी देखें हम सिंगापुर में इससे केसेस बढ़े हैं। हाँ, ये अभी जी संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ जी, रही है जी। आखिर किस तरह देखें इस पूरे नए वेरिएंट को, नए वायरस को, किस तरह से ये घातक साबित हो सकता है और कैसे सबसे पहले ये अटैक करता है, किन सिचुएशंस में?
ये बिल्कुल भी घातक नहीं है। लोगों में जो डर फैल रहा है उससे पहले दूर करना चाहिए। ओमिक्रॉन का वायरस कहीं कहीं होता है, ये जीवन भर हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ ही ख़त्म होगा। जैसे H1N1 है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, वैसे ये वायरस एक बार आ गया है 4-5 साल पहले जब से आया है जब से, और इसमें वेरियंट फिर होते रहते हैं, उसमें अलग अलग DNA में चेंज होते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सबसे कमज़ोर वाला वायरस है और सिम्टम्स वही रहते हैं, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह, कभी किसी को बुखार। और उसके लिए जो नॉर्मल सर्दी जुकाम का जो हम पहले जो करते थे ना इन्फ्लुएंजा में, और वो वैसे रहना है। केवल और केवल आपको घर पे रहना है, आइसोलेशन रखना है और दूरी बनाए रखना है ताकि हमारे से कोई दूसरा व्यक्ति बीमार नहीं हो जाए। बहुत ज़्यादा कोई दवाइयों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, केवल घर पे। हाँ, केवल जिनको कोई बड़ी बीमारियां हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हृदय की बीमारियां हैं, जिनको और कुछ इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां चल रही है, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ा जिनकी उम्र ज्यादा है उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, छोटे बच्चे उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी संजय जी, यहाँ पर राहत की बात यह है कि हमने देखा था जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी किस तरह से हाहाकार मचा हुआ था, लोग पूरी तरह से डर गए थे, दुबक गए थे घर के अंदर, पर इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जितने भी पेशेंट सामने आ रहे हैं घर पर ही इलाज ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। जी, ये जो वायरस बहुत कमजोर है ना, तो बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, घर पे बैठना 4-5 दिन ताकि आप दूसरों को बीमार नहीं कर सके, ये करना है। कोई हाहाकार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपकी जो भोजन की मात्रा है, आप जितना लिक्विड लेते हैं उसकी मात्रा है, वो अच्छा बनाए रखिए। और इम्यूनिटी लगभग सभी की 2-3 साल में अच्छी बढ़ गई है, और लोगों का जो खान पान का तरीका है वो भी अभी 2-3 साल में लोगों ने काफ़ी चेंज कर दिया है, जीवन शैली में बदलाव भी बहुत आ गया है, तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। केवल मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइए नहीं और आइसोलेशन में रखिए, ये खास रख रहे हैं हमें। दर्शकों को आप ये भी बताइए, चूंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चूंकि नया वेरिएंट है, किस तरह आखिर कैसे इसके सिम्टम्स रहते हैं और कब ऐसा होना चाहिए जब उन्हें लगे कि हाँ अब डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए या दवाइयों की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। यदि 2-3 दिन में तो सभी लोग एकदम से डॉक्टर के पास जाते नहीं है, लेकिन यदि 2-3 दिन आपको लगे कि मुझे खांसी बढ़ गई है, मेरी सर्दी जुकाम ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे बुखार भी आ रहा है और सिर दर्द और कमर दर्द और शरीर दर्द, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो ज़रूर से आप शीघ्र से शीघ्र आप डॉक्टर के पास जाइए। और अभी इस समय टेस्टिंग की जरूरत है तो, लेकिन अभी जो है आप ज्यादा टेस्ट भी मत कराइए, लेकिन सरकारी स्तर पर ये आवश्यक माना जा रहा है कि टेस्टिंग करें। और लगभग बहुत सारे लोग नेगेटिव ही आ रहे हैं, कुछ ही पॉजिटिव आ रहे हैं, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका फिर सिक्वेंसिंग कराना पड़ता है, DNA और ये सब कराना पड़ता है, ताकि वेरियंट कराना पड़ता है ताकि किस प्रकार का वायरस उस पर घुसा हुआ है। तो शीघ्र से शीघ्र डॉक्टर के पास जाएं, जब आपको लगे 2-3 दिन में ठीक नहीं लग रहा है तो जाइए, और अपने जो चिकित्सक है उसकी सलाह के अनुसार आप काम करिए। केवल लापरवाही मत करिए, घर मत बैठिए, और जो ज्ञान कहीं कहीं से मिलता है गूगल से और किताबों से और कहीं, उस पर विश्वास मत कीजिए। आपका जो फैमिली फिजिशियन होता है वो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है जिससे आपको सलाह लेना है। जी समीर जी, आपका रुख कर लेती हूँ, चूंकि नया वेरिएंट आया है, पर यहाँ पर जैसे संकेत हैं इस नए वेरिएंट के कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे, आखिर किस तरह के एहतियात जो हैं लोग बरते कि इस जो बीमारी है नया वेरिएंट है उससे बच सकें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नया वेरिएंट तो जैसा वायरस अभी हमारे बीच में से गया नहीं है, वायरस तो हमारे बीच में अभी ये रहेगा। हाँ, जैसा अभी डेटा आया उसके अनुसार से ये ज्यादा हमारे लिए घातक नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, पर ये बीमारी नहीं करेगा बहुत अधिक। दूसरी एक चीज और जरूरी है जानना, क्योंकि अभी मौसम में भी बदलाव आ रहा है, तो सर्दियों के अंदर वैसे ही हमारे जो रेस्पिरेटरी और सांस से संबंधित बीमारियां वो अधिक बढ़ जाती है, तो बहुत अधिक हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते कि आपको कोई अन्य सांस की बीमारी, फ्लू हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, या और अन्य कोई सांस की बीमारी है, या आपको कोविड से संक्रमण हुआ है, तो इसलिए इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
आमतौर पे सीजन जब चेंज होता है तो स्पाइक आता ही आता है, और अभी पिछले साल भी जैसा हमने देखा था कि दिसंबर में इस तरह से थोड़े केसेस बढ़े थे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखिए, और प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब भी आप किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर जा रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो वहां पर आप कोशिश करें कि मास्क पहन लें, क्योंकि ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही होते हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात कर लीजिए या आप ये जो हम नए वेरिएंट के बारे में बात करें, तो उस समय आप मास्क पहन सकते हैं। अभी जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो उस समय सेलिब्रेशन भी काफी बढ़ जाता है, तो उस टाइम थोड़ी आपको प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के समय भी आप ध्यान रखिए कि जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो उस टाइम भी आप कोशिश करें कि आप मास्क पहने। इसके अलावा आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, जितना हो सके आप सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी इम्यूनिटी ठीक से बनी रहे। अपने हाइड्रेशन का ठीक से ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का आप इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें कोई एंटीबायोटिक्स का, पेन किलर्स का इस तरह से कोई बहुत अधिक उनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपनी कोई भी मेडिकेशन ना करें, और घर में किसी को भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन है जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू वगैरह, तो वो पर्सन मास्क जरूर पहने ताकि वो किसी और को संक्रमण ना फैलाए। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि खास तौर पे वो लोग जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है जैसे लिवर या किडनी या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, तो उनको अपना विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। वो अपनी मेडिकेशन दवाओं को नियमित रूप से लें, और इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचने के साथ साथ आपको सर्दी से और भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके लिए जब भी आप बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़ों का आप इस्तेमाल करें, डायरेक्ट आपको ठंड के एक्सपोजर से अपने आप को बचा के रखना है। व्यायाम वगैरह आप नियमित रूप से करें, एक्सरसाइज आपको जरूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए भी। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आप किसी भी तरह के संक्रमण से, JN.1 की बात तो हम कर ही रहे हैं, पर और भी अन्य वायरल डिजीज से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर समीर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आप जिक्र कर रहे हैं, संजय सर ने भी जिक्र किया कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, पर हम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं कुछ लोगों की मौत भी हुई है, तो आखिर इसे किस तरह का कारण माने, किस वजह से ऐसी क्या सिचुएशन बनी होगी कि मौत ही हो गई मरीज की? एग्जैक्ट डेटा आया नहीं है, सिर्फ अभी एक क्लैरिटी आई है जो केरल के अंदर एक डेथ के बारे में जब बताया था तो उसमें ऑलरेडी उन पेशेंट को पहले से कोई कोमॉर्बिड थी, पहले से कोई बीमारी थी, कि कई बार आप हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं तो वो किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, और साथ के साथ कोविड का संक्रमण भी हो सकता है। पर इस तरह के केसेस अभी कोई सामने बहुत ज्यादा देखने को नहीं आ रहे, जैसे अगर हम बाहर की भी बात करें तो कि कोविड सीवियरली कोविड ने आपको इन्फेक्ट किया हो। और इनफैक्ट ओमिक्रॉन या इसके जितने भी लीनिएजेस आ रहे हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही कॉज कर रहे हैं, मतलब आपको इनकी नॉर्मल जो सर्दी खांसी जुकाम इस तरह के सिम्टम्स होते हैं वही रहते हैं, ये लंग्स के अंदर नहीं जाता कि आपको निमोनिया कॉज कर रहा है। तो इस तरह से जो भी अभी डेथ रिपोर्टेड हुई है उसका एग्जैक्ट कारण उस तरह से सामने नहीं आ रहा, बट ज्यादातर ऐसा ही देखा जा रहा है कि उनको पहले कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारी रही है और कोविड एक तरह से को इन्फेक्शन रहा है। तो प्राइमरी रीजन अभी तक सामने ऐसा नहीं आ रहा कि कोविड की वजह से ही जो भी अभी ये डेथ रिपोर्टेड हो रही है, क्योंकि कोविड संक्रमण तो आपको वैसे भी अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं तो उसके साथ भी आपको वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा माने कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ऑलरेडी मरीज हैं, कई बीमारियों के शिकार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा अटैक ये बीमारी कर सकती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लौटूंगी आपके पास, डॉक्टर सतीश मैथ्यू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतीश, अब तो मौसम भी बदल रहा है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में भी बढ़त हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, आखिर अब नया वेरिएंट ने जो एंट्री की है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आखिर किस तरह से इसमें अवेयर लोग हों, कैसे एहतियात इसमें बरते जाएं, और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो क्या आगे किया जाए? So, Ritu, this disease is almost similar to the old corona which we are used to, and ये almost वैसे ही है जैसे पहले था, लेकिन इतना वरी नहीं करना है, काफी लोग अभी एक्सपोज हो गए हैं,
एंड वी आर पुराना कोरोना से एक्सपोज हो गए हैं. अब ये नया वेरिएंट है, थोड़ा हल्का चेंज हुआ है, नथिंग टू वरी मच. यस, अदर फैक्टर्स जो पोल्यूशन वगैरह है, दे प्ले अ रोल इन आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दे मे कॉज कोमॉर्बिडिटी लाइक कॉम्प्लिकेशंस, और कुछ नहीं है. समय पर ये माने कि हमें जो जांच है, टेस्ट हैं, वो करा लेने चाहिए. थोड़ा भी अगर लगता है कि सर्दी जुकाम हो रहा है या बुखार हो रहा है, वो सामान्य नहीं हो सकता, वेदर के चेंज की वजह से नहीं होता. यहाँ पर रिस्क ना लें, टेस्ट करा लें, ये भी आप मानते हैं? हाँ जी, जरूर. कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर टेस्ट करा लें, अपने डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल में दिखा के उसका जरूर इलाज करा लीजिए. सर, यहाँ पर हमने देखा था कि कोरोना काल के पूरे समय में एक ट्रेंड सा चल गया था डोलो का, वो लोगों ने बहुत कोशिश की कि वही लिया जाए और ठीक हुआ जाए, और काफी हद तक लोग ठीक भी हुए. क्या वही ट्रेंड फिर से आ सकता है या फिर से लोग ऐसा कर सकते हैं कि उससे ठीक हो सके? नहीं है कि इतना सीरियस होगा जैसे पहले और दूसरे वेव में था. अब ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा माइल्ड जो वायरस डिजीज है वैसे ही रहेगा. बच्चों के लिहाज से देखिए, रहेंगे जी सर, बच्चों के लिहाज से देखिए तो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए कितना घातक ही हो सकता है? हाँ जी, थोड़ा सा जिनको डायबिटीज है, प्रेगनेंसी है, थोड़ा सा है रिस्क, बट यू जस्ट हैव टू टेक केयर लाइक यूजुअल. जो रेस्पिरेटरी, आप अपना प्रिवेंशन मास्क वगैरह पहन लीजिए एंड यू कैन मैनेज. जी ठीक. समीर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं. समीर जी, आपका रुख करती हूँ मैं, क्योंकि वायरस है, नया वेरिएंट है, तो डर तो लोगों में रहता ही है, और सबसे ज़्यादा डर उनमें रहता है जो ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं. मैंने अभी जिक्र किया महिलाओं का, वो प्रेग्नेंट महिलाएं हों या छोटे से बच्चे हों, उनके लिए आखिर क्या आप कहना चाहेंगे, आखिर किन चीज़ों का वो विशेष रूप से ध्यान रखें? को अगर लेके चलते हैं, एक हो गए हेल्दी इंडिविजुअल जिनको कोई पहले से कोमॉर्बिड नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो हाँ वो जरूर ध्यान इस चीज का रखें कि जितना भी हाइजीन का ध्यान रखेंगे, जैसे वही शुरू के जो दो तीन प्रोटोकॉल थे, वो अपना हाइजीन वगैरह का ध्यान रखें कि वो एक कैरियर बन सकते हैं, वो संक्रमण उन लोगों को दे सकते हैं जो थोड़ी सी वनरेबल पॉपुलेशन है. तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि जैसे आप बाहर जाते हैं जब भी, और जिस समय स्पाइक ज्यादा है, जिस समय संक्रमण फैला हुआ है, तो आप जब घर जाते हैं तो कोशिश करें कि जब भी आप मिलते हैं अपने घर में बुजुर्ग लोग हैं या जिनको पहले से कोई ऐसी बीमारी है, तो आप थोड़ा उनसे दूरी बना के रखें, अपने आप को ठीक तरीके से सैनिटाइज करें, ये सब चीजों का ध्यान रखें ताकि आप उनको संक्रमण ना दें. दूसरे वो लोग जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटी है, जैसा अभी हमने बात की कि लिवर या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट के कोई पेशेंट है, या और भी जिनको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी उनको परेशान ज्यादा कर सकता है, तो उन लोगों को जरूरी है कि वो अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेते रहे, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे. हाँ, और वो लोग जरूर अपनी एक बार जांच करा लें कि ताकि कोविड रूल आउट हो जाए अगर जिस समय कोविड बढ़ा हुआ है. तीसरी कैटेगरी जैसा हम बात करें कि छोटे बच्चों की, देखिए छोटे बच्चों को उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले का अपना एक्सपीरियंस देखें तो कोविड से बच्चों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बच्चे सेफ ही रहे थे, तो बहुत ज्यादा सच नहीं है कोविड को लेकर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम. हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन्स को खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है. तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या जो कोमॉर्बिड वाले लोग हो गए, कोई बीमारी है, तो हाँ वो एक बार अपना जांच करा ले ताकि उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट उस तरह से उनका प्लान किया जा सके. बाकी जैसा बात कर ही रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के स्तर पे जो काम हो रहा है वो हो ही रहा है, सर्वेलेंस चल रहा है, वायरस पे नजर बना के रखा हुआ है. पर हाँ ये जरूर है क्योंकि अभी एकदम एक कॉकटेल ऑफ वायरस है, बहुत अधिक वायरस वातावरण में सर्कुलेट हो रहे हैं, और साथ के साथ जैसे न्यू ईयर भी आ रहा है, फेस्टिवल भी आ रहा है, तो उस समय हमें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है. पर हाँ, पैनिक करने की या घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने परिवार वालों को भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे. जी ठीक. संजय जी, जैसे सामान्य मरीज हैं वो तो ठीक है, घर पर रह करके इलाज करा लेंगे या क्वारंटाइन हो जाएंगे दो चार दिन के लिए. यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या जिस तरह से सामान्य मरीज हैं वो घर पर रहकर इलाज कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो वो बाकी जो हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या बच्चे हैं या जो किसी बीमारी से ऑलरेडी पीड़ित हैं, क्या उन्हें हॉस्पिटल में इस सिचुएशन में एडमिट होना जरूरी है या वहीं रह करके उनका इलाज हो सकता है अंडर ऑब्जर्वेशन में?
अभी तक जो भी आंकड़े आए हैं तो भर्ती होने वाले मरीज तो बहुत ही कम है, 0.01 में ऐसे कुछ होंगे, और जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है या कोई ज्यादा समस्या हो जाती है उनको ही भर्ती होना है। लेकिन जितनी ये बातें हो रही है सारी की ये डराने की बातें या लोग डर रहे हैं, तो कभी आप देखेंगे तो मैं इंदौर में हो चुकी, तो इंदौर में 175 बड़े आईसीयू वाले हॉस्पिटल है, जब 25 से 30 पेशेंट हमेशा उस आईसीयू में भरे रहते हैं। तो हर सप्ताह मैडम एक मौत जो होती है वो टीबी से होती है, एक मौत जो होती है वो जॉन्डिस से होती है, टाइफाइड से होती है, अन्य बीमारियों से होती है, हार्ट के समस्याओं से होती है। तो इतनी समस्या तो है ही नहीं, तो डरना नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, भर्ती होने की शायद ही नौबत किसी पेशेंट को आ रही है। और दूसरी बात जो ये है कि आपको प्रिवेंशन करना है तो उसके लिए कुछ श्वसन क्रियाएं, मैं कुछ योग की क्रियाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो श्वसन क्रियाएं करें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ अनुलोम विलोम करें, तो हो सकता है कि आपको भविष्य में आने वाली समस्याएं बहुत कम होंगी, और जैसा वो वायरस आया है वैसा का वैसा एक दो दिन में निकल जाए। तो अभी भी सेल्फ प्रिवेंशन, आपकी बॉडी को अच्छी बनाए रखना है, ये भूल जाना है कि कोई पेशेंट भर्ती होने वाला है, केवल घर पे रहना है, साफ सफाई रखना है, परिवार को बचाना है, दूसरे लोगों को बचाना है, अपना शरीर स्वस्थ रखना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खास कीमती समय आपने निकाला और दर्शकों को ये खास जानकारी दी। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर किस वक्त